हम आगे देखें जिग्निमा, इसका पार्ट सेकेंड का वीडियो, जिसमें कि जिग्निमा जो है कंजुगेल ऑर्डर का मेंबर है, हमने इसके पहले वीडियो में देखा था। इसमें जो वेजिटेटिव अर्थात काई कोशिका और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेथड है वो पाई जाती है, अर्थात कायिक जनन और लैंगिक जनन मेथड से रिप्रोडक्शन होता है। यूनिसेल्यूलर अर्थात एक कोशिकी फॉर्म में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है उसमें सेल डिविजन होता है, अर्थात जो कायिक प्रकार का जनन है उसमें एक कोशिकी रूप में एक कोशिकी फॉर्म जो शैवाल के होते हैं उनमें कोशिका विभाजन द्वारा जो होता है कायिक जनन होता है। यदि बात करें फिलामेंटस फॉर्म तंतुवत फॉर्म में, तो तंतुवत फॉर्म वाली एल्गी में खंडन द्वारा अर्थात फ्रेगमेंटेशन मेथड के द्वारा जो है रिप्रोडक्शन होता है। फ्रेगमेंटेशन मेथड फिलामेंटस फॉर्म में होगा, एफ से फ्रेगमेंटेशन, एफ से फिलामेंटस अर्थात जितनी भी फिलामेंटस एल्गी है उनमें फ्रेगमेंटेशन मेथड के द्वारा रिप्रोडक्शन होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखें तो नॉन मोटाइल और एमीबॉइड जो होते हैं, अमीबी जिसको गैमिट्स के फ्यूजन से होते हैं, ठीक है, अर्थात लैंगिक जनन जो है अचल जो नॉन मोटाइल अमीबॉइड गैमिट्स के फ्यूजन से होते हैं। कुछ जीनरा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एपेलिनोस्पोर द्वारा बताया गया, अर्थात कुछ वंश है जिसमें कि अलैंगिक जनन जो होता है एपेलिनोस्पोर जो कि मेथड होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की उसके द्वारा होता है। इसका देखिए कंजुगेल ऑर्डर का क्लासिफिकेशन, तो फ्रिस 1935 में इन्होंने साइंटिस्ट ने बताया था कि कंजुगेल ऑर्डर या जिग्नी मेल ऑर्डर को 5 ऑर्डर में डिवाइड किया है। कंजुगेल को 5 ऑर्डर कौन से हैं हम देखते हैं, 5 ऑर्डर के नाम दिए गए हैं यहाँ पर। पहला है मिजोटिनियसी, मैंने हिंदी नाम भी उन्हीं के सामने लिखे हैं जस्ट, मिजोटिनियसी, जिग्निमेसी, फिर माइगिडियोसी, फिर गोनेटोजाइगेसी एंड डेस्मिडियसी, ठीक है। जिग्निमेसी में जिग्निमा आ गया, डेस्मिडियसी में डेस्मिट्स आ गए, ठीक है, मिजोटिनियसी, मिजोटोनियम, अलग अलग प्रकार की एल्गी हमने देखा, इसके 3000 स्पीसीज हैं और लगभग 40 जेनेरा पाए जा रहे हैं। तो आगे डिटेल्स हम पढ़ेंगे, हमको जिग्निमा पढ़ना है, जिग्निमा का बेसिक डिटेल यहाँ पर बताया जाएगा कि इनमें किस मेथड के द्वारा रिप्रोडक्शन हो रहा है, क्योंकि इसमें रिप्रोडक्शन की मेथड इंपॉर्टेंट है। एसेक्सुअल भी हो रहा है, वेजिटेटिव भी हो रहा है, और जो लैंगिक जनन जिसको हम कह रहे हैं वह मेथड भी हो रही, सेक्सुअल एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव तीनों टाइप का इसमें हो रहा है। आगे हम जिग्निमा के बारे में देखेंगे, जिग्निमा क्या होता है, जिग्निमा का बेसिक देखेंगे। हमने देखा जिग्निमा से रिलेटेड टॉपिक जो कंजुगेल ऑर्डर है ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स जिग्निमा के दिए गए हैं। इसके बाद हम जिग्निमा का स्ट्रक्चर, जिग्निमा के जो विभिन्न प्रकार के फॉर्म है वह, जिग्निमा में किस प्रकार का रिप्रोडक्शन हो रहा है, किस प्रकार की लाइफ साइकिल हो रही है, इन चीज़ों को हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।